किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो किसान कुछ अलग कर रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं और सफलता हासिल किए होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि आप भी उनसे प्रेरित हो सके। आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसे ही सफल किसान सुनील कुमार गोयत से हम आपको मिलवाने वाले हैं। बता दें आपको, ये पिछले कई वर्षों से पशुपालन कर रहे हैं और डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिससे इन्होंने न केवल अपने जीवन को संवारा है बल्कि जो भी किसान इनके संपर्क में आए हैं उन्हें भी उन्नति की राह पर चलाया है। बता दें आपको कि ये जैविक चारा उत्पादन भी करते हैं, जिससे इन्हें एक अलग पहचान मिली है। पारंपरिक खेती को नहीं चुना इन्होंने पशुपालन का दामन थामा। चार भैंसों के साथ इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और आज ये सफ़र जो है 136 भैंसों तक पहुंच गया है। ये जो भैंसों का गोबर होता है उसका भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, जिससे खेत की मिट्टी तो उपजाऊ बनी ही है, साथ ही साथ जो ये चारा उत्पादन करते हैं उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतर होती जा रही है। तो फिर आइए इनके सफ़र को जानने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के मिलक रावली गांव का। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में गंग नहर की सुविधा है, जिससे यहाँ के किसान खेती और पशुपालन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान पशुपालन कर खेतों में जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक चारा उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। आज के दौर में पशुपालन और डेयरी उद्योग रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। इसे समझकर चार भैंसों से डेयरी का काम शुरू करने वाले सुनील कुमार गोयत कहते हैं, सन 85 से मैं इस डेयरी के काम को चला रहा हूँ। मैंने चार भैंस रख के काम स्टार्ट किया था। आज मेरे पास 136 पशु हैं जो सभी स्वस्थ हैं, सब मुर्रा नस्ल के हैं। सभी का क्रय विक्रय जो है मैं हरियाणा से करता हूँ। बच्चे भी पालता हूँ, जो मेरा दूध है उसको मैं दिल्ली सप्लाई करता हूँ। सुनील गोयत बताते हैं कि पशुपालन के शुरुआती दौर में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने दूध का व्यापार करने के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन किया। आज उनकी डेयरी में 15 से 25 लीटर तक दूध देने वाले पशु हैं। पशुओं की देखरेख, स्वास्थ्य और भोजन का वे पूरा ख्याल रखते हैं। जब आदमी कोई किसी नए काम करता है परेशानी भी आती है, मेरे सामने भी आई है। मैंने बड़ी सुचारू रूप से डेयरी चलाई है लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं सक्षम हूँ और बहुत ही अच्छा मैं डेयरी पालक हूँ, जिसमें कि कोई रुकावट नहीं है और मैं इसको चला रहा हूँ। किसान का बेटा हूँ, किसान के साथ साथ इस काम को मैंने किया है जो आज मैं सफल हूँ। उसके सारे दिन का जो खान पान है वो 10 किलो बाट एक भैंस को मिलता है, जिससे कि पशु स्वस्थ रहता है, अच्छा दूध देता है, समय से ज्ञापन होता है, समय से ब्याहता है और डेयरी सुचारू रूप से चलती है। पशुपालन में अच्छी नस्ल के पशु होने से किसानों का फायदा कई गुना बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुनील गोयत ने अपने भैंसों के बेड़े में मुर्रा नस्ल के दो सांड भी पाल रखे हैं, जिससे अच्छी नस्ल के संतति मिल सके। पशुओं से मिलने वाले गोबर को सुनील गोयत अपने खेतों में डालने के अलावा बेचते भी हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी होती है। भैंसों से होने वाली आमदनी के बारे में सुनील गोयत कहते हैं, गर्भाधान के लिए हमने दो मुर्रा नस्ल के सांड रखे हैं जो बहुत अच्छे हैं और डेयरी में सही काम चलता है।
मैं सलाह देता हूँ और को भी कि आप पशुपालन करें, बहुत अच्छी चीज़ है। उनसे जो खाद पैदा होती है, पशु से जो खाद बनती है, उसके लिए हम अपने खेतों में भी डालते हैं और जो उसको बेचते भी हैं। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। भारत के करीब 7 करोड़ कृषि परिवारों में प्रत्येक 2 ग्रामीण घरों में से एक डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। भारतीय दुग्ध उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार देश में 70% दूध की आपूर्ति छोटे और सीमांत में पशुपालन करने वाले किसानों से होती है। यही कारण है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में डेयरी उद्योग की प्रमुख भूमिका है। किसान भाइयों बहनों, यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान सुनील कुमार गोयत से हम जानेंगे कि वो कैसे भैंसों की देखभाल करते हैं और कब कब टीकाकरण करवाते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रुख करते हैं हमारे सफल किसान सुनील कुमार गोयत का, उनसे भैंसों की देखरेख और टीकाकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। पशु स्वस्थ होगा तो किसान भी खुशहाल होगा। डेयरी उद्योग में पशुओं का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर सुनील गोयत पशुओं के चारे के प्रबंधन का पूरा ध्यान रखते हैं। सर्दी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर वे पशुओं की देखभाल भी करते हैं। इस बारे में सुनील गोयत कहते हैं, जब मैंने पशुपालन स्टार्ट किया तो मैं अलग अलग स्टेट में गया, लेकिन सबसे अच्छा पशु मुझे जिला जींद का ही मिला, जहाँ से मैंने फिर वहीं से स्टार्ट करी बात और वहीं आज तक जमा हुआ हूँ। वहीं से लाना देना और क्षेत्र के लोग भी काफ़ी ज़िले से, दूसरे ज़िलों से भी आते हैं मेरे पास कि आपने कैसे स्टार्ट किया। मैं उनको सबको बताता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे लाना है पशु को, ये खिलाना है या ट्रीटमेंट करना है, ये चारे में देना है, किस मौसम में क्या चारा देना है, तो सब तरह से अच्छा चल रहा। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के पशु को साफ सफाई, उसके बाद फिर दूध निकालते हैं, दूध निकाल के उसी पैकिंग करके उसको दिल्ली रवाना करते हैं। उसके बाद में पशु को चारा खिलाते हैं, 10 बजे के बाद फिर उनका नहलाना धुलाना सब कुछ साफ सफाई करते हैं, उसके बाद पशु आराम करते हैं। ऐसे ही फिर शाम को 4 बजे जितने भी डेयरी में बंदे काम कर रहे हैं सब उठते हैं, साफ सफाई, फिर दूध निकालना, तैयार करना, रूटीन पर डे ऐसे ही काम होता है, उसको दिल्ली भेजना और फिर अपना साफ सफाई और चारा वारा खिला के पशु आराम। दुधारू पशुओं में खुरपका, मुंहपका बीमारी और कीड़ों का प्रकोप होता है, जिसकी चपेट में आने से पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर असर पड़ता है। ऐसे में पशुओं का टीकाकरण और कृमिनाशक दवाओं का इस्तेमाल उन्हें स्वस्थ रखने में सहायक होता है। पशुओं के टीकाकरण के बारे में सुनील कहते हैं, पशु की देखरेख में समय समय पर टीकाकरण होता रहता है। जैसे जुलाई का महीना है, इसमें टीकाकरण चल रहा है, बच्चे भी बड़े स्वस्थ हैं और भैंस भी सब ठीक ठाक हैं। समय समय पर डॉक्टर साहब आते रहते हैं, जिनकी देख रेख में सब डेयरी चलती है। भाई इस टाइम में खुरपका मुँहपका का टीका, सर्दी से पहले भी टीकाकरण होता है, हर 4 महीने बाद टीकाकरण होता रहता है डेयरी में। बच्चे हों, सांड हों, भैंस हों, सब होता है, चाहे कोई गाय बढ़े हैं चाहे कोई लैन है, सब होता है। और बच्चों को समय समय पर और भैंसों को भी कीड़े की दवाई दी जावे हैं, जिससे कि पशु समय से गर्भाधान ठीक करे, ठीक दूध दे
स्वस्थ रहे। हमारी डेयरी में समय समय पर डॉक्टर कृषि अनुसंधान वाले आते रहते हैं, पशुओं की समय समय पर देख रेख होती रहती है, पशु स्वस्थ रहे, अच्छा दूध दे, समय से गर्भाधान हो और उनका बड़ा सहयोग लेते रहते हैं। हमारे देखिए सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सभी भैंसें स्वस्थ हैं। हम हफ्ते में एक बार अपने पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाते रहते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, कोई पशु में दिक्कत है कमी है चेकअप करा दें, जो दवाई की जरूरत होती है दवाई दे दें। पशुओं के टीकाकरण के बारे में पशुपालन विभाग के डॉक्टर योगेंद्र पाल कहते हैं, आज गांव में हम मिलक में वैक्सीनेशन करने के लिए आए हैं। गलाघोटू का और FMD का समय समय पर वैक्सीन होता है, जो है हम पूरे गांव को सुविधा देते हैं और किसानों को जो भी हमसे होती है बातें हमसे करते हैं, आगे जो है सलाह लेते हैं। जो है सुनील जी हमारे अच्छे मित्र हैं, ये इनके डेयरी में आना जाना है, जो है ये भी सलाह लेते हैं टाइम टाइम पर आगे जो है, और हम लोग भी आगे टीकाकरण करते हैं समय समय पर आगे जो है, सारे पशु इनके सब स्वस्थ हैं ठीक हैं जो है। जैविक खेती करने के साथ साथ पशुपालन और डेयरी का काम बेहद फायदेमंद होता है, इसे जानकर सुनील गोयत भैंस पालकर डेयरी का काम करते हैं। सुबह उठकर पशुओं के काम में लगकर दूध निकालते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं को वे हरियाणा से लाते हैं जिनसे दूध अधिक निकलता है। पशुओं के चारे और टीकाकरण का सुनील गोयत पूरा ध्यान रखते हैं। वे युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि युवा नौकरी के बजाय पशुपालन को अपनाएं और सफलता हासिल करें। यदि हमारे किसान भाई इस तरफ ध्यान दें पशुपालन की तरफ, तो पशुपालन में ठीक इनकम है, कोई बुराई नहीं है। नौकरी के चक्कर से लाख जगह अच्छा है अपने पशुपालन करें, अच्छे पशु पालें, बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट दें, अच्छी सेवा पानी करें, जिससे कि पशु समय से गर्भाधान हो, समय से ब्याह। हमारी डेयरी में पर डे लगभग 4 क्विंटल 20 किलो करीब सुबह को दूध होता है और 4 क्विंटल 10 किलो 5 किलो शाम के टाइम होता है, जो पर डे हम दिल्ली बेचते हैं। समय से ताज़ा दूध जाता है, अच्छे रेट मिलते हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि पशुपालन की तरफ ध्यान करें, अच्छा व्यवसाय है, किसी की नौकरी के गुजारे में ना रहें, अपना काम करें, अच्छा कमाएं, अच्छा अपने परिवार चलाएं। सुनील गोयत के पशुपालन और डेयरी उद्योग में उनके चाचा सत्येंद्र गोयत और बेटा पवन चौधरी सहयोग करते रहते हैं। इस बारे में वे बताते हैं, अपने भतीजे की डेयरी को देखभाल करवाता हूँ और कोई भी जानवरों में कोई कमी बेसी होती है तो मैं अपने भतीजे को बता देता हूँ, वो उसे सही अपना वो करते हैं। ये भाई भैंस जैसे ज्ञापन होती है गर्भधारण कर उसका देखभाल करवाता हूँ, वो चारा का साफ सफाई टाइम से चारा इसके लिए बोल देता हूँ, और हाँ टीकाकरण जो भी हाँ कोई परेशानी आती है तो उसे पूरा करवाता हूँ। तो मैं बाहर पढ़ता हूँ, वैसे तो कभी कभी छुट्टी में घर पर आ जाता हूँ अपने यहाँ पे, तो कभी कभी जब छुट्टी में आता हूँ तो काम करवा देता हूँ, थोड़ा सा कृषि विज्ञान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, डैडी को देखते हुए सीखाऊँ उनको, साथ में हाथ बटवाना बटवाना थोड़ा उनका मदद करवाना उनकी थोड़ी साथ में, और जो ये है हमारा टेक्नोलॉजी को देखते हुए थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ा ट्रेडिशन में फ़र्क है थोड़ा सा, मतलब जो पहले चलता था जो पहला ट्रेडिशनल मैटर था काम करने का कोई भी तरीका, वो थोड़ा आज टेक्निक के साथ थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा आज से टेक्निक का जो टेक्नोलॉजी थोड़ा हेल्पफुल है आज के काम में, कोई भी काम आप दे सकते हो मैं आपका योगदान देगा अच्छा। और जो हमारे केंद्र विज्ञान के हैं इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है हमारे साथ में, डैडी के बड़े साथ में मतलब मिलते हैं कभी कभी मिलने आते हैं, सहयोग करते हैं हमेशा। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में पहले स्थान पर है। ये उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के प्रयास से सुनील जैसे पशुपालक दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। किसान भाई ऐसे किसानों से प्रेरणा लेकर पशुपालन को अपनाएं, तभी विकास होगा।
यहाँ वक्त हो चला है किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, हमारे किसानों को कैसे बढ़ा रहे हैं पशुपालन की ओर और कैसे उनकी आय को और मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। विकसित भारत का स्मार्ट बजट, जिसमें हम करेंगे चर्चा हमारे कमोडिटी विशेषज्ञों के साथ। देखिए मंडी खबर बजट स्पेशल मंगलवार शाम 5 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब बात होगी कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयासों के बारे में, किस तरह से वो पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे किसानों की आय को मजबूत बनाने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो फिर आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत ने दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान हासिल करके प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश की इमेज बनाई है और ये सब संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को पशुपालन के लिए मिलने वाले मार्गदर्शन से। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार बताते हैं। जैसे कि इस समय काफी बरसात चल रही है और मौसम हमारा इस टाइप से है कि हमारे कीटाणु पनपने का मौका ज़्यादा रहता है और हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें कोई ना कोई जैसे खुरपका मुंहपका या अन्य बीमारी लगने के चांस रहते हैं। तो इसके आपको यही सलाह दी जाती है कि इस समय भारत सरकार की तरफ से निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है खुरपका मुंहपका के लिए, तो आप उसका टीकाकरण अवश्य कराएँ। इसी प्रकार से क्योंकि डेयरी व्यवसाय हमारा अच्छा व्यवसाय है लेकिन पिछले कुछ दिनों से चूँकि हमारे बांझपन की समस्या ज़्यादा आती रही है तो हमारे किसान भाई थोड़ा विमुख हो रहे हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है विमुख होने की, चूँकि हमें आमदनी भी बढ़ानी है और जैसे हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी की जाए या उसमें बढ़ोतरी की जाए, तो उसके छोटे छोटे कुछ तकनीकी बिंदु हैं। जैसे हम डेयरी की बात करें कि डेयरी में अगर हम केवल एक क्रांतिक निवेश का प्रयोग करें जैसे कि खनिज मिश्रण अगर हम प्रति पशु प्रति दिन 100 ग्राम खिलाएं तो हमें एक महीने में अगर इसका हम रिजल्ट देखें तो लगभग 1 किलो दूध पर असर पड़ता है। तो ये छोटा सा तकनीकी बिंदु है लेकिन बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर हम इसकी लागत अनुपात देखा जाए तो हमारा इसका अगर एक दिन में 1 किलो दूध भी बढ़ता है और 100 ग्राम खनिज मिश्रण पे मुश्किल से हमारा 10 या 15 रुपये खर्च आता है, तो यानी कि अगर हम 10 रुपये 15 रुपये लगाकर अतिरिक्त रूप से 50 या 60 रुपये का 1 लीटर दूध उत्पादन करते हैं तो हमें शुद्ध जो आय होती है वो 40 से 50 रुपये के बीच होती है। तो यही थोड़े थोड़े तकनीकी बिंदु हैं जिससे कि भी हम इसको और अपनी लागत कम करके हमारा दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। डेयरी उद्योग में सुनील गोयत के कामों की तारीफ करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि सुनील गोयत का डेयरी का काम अच्छा चल रहा है। वे कहते हैं कि किसान पशुओं को संतुलित आहार के साथ कृमि नाशक भी खिलाएं जिससे पशु स्वस्थ रहें। सुनील गोयत को प्रेरणा स्रोत बताते हुए डॉक्टर प्रमोद कहते हैं, सुनील जी हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने डेयरी का काफ़ी अच्छा व्यवसाय किया हुआ है और जो भी तकनीकी हम लोग देते हैं वो उनका अक्सर से पालन करते हैं। तो सुनील जी के यहाँ काफ़ी समय से डेयरी का व्यवसाय है और काफ़ी लगन और काफ़ी तकनीकी बिंदु से अपने डेयरी व्यवसाय को चला रहे हैं, क्योंकि हम और किसानों भाइयों से भी यही सलाह देंगे कि वो जो भी सुनील कुमार जी अपने डेयरी व्यवसाय में तकनीकी अपना रहे हैं और भी किसान भाई अपनाएं। जैसे हमने इनको थोड़ी सलाह दी थी कि भी अपना जो भी प्रतिवर्ष में 3 बार कम से कम कृमि नाशक खिलाएं, क्योंकि बहुत छोटा सा
बिंदु है, मुश्किल से 40-50 रुपए का खर्च है, लेकिन चूंकि अगर कृमिनाशक हमारे पशुओं के पेट में नहीं रहेंगे तो हमारा दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और पशु स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो सुनील कुमार जी अक्सर से उसको नियमित रूप से वर्ष में 3 बार कृमिनाशक का प्रयोग करते हैं, खनिज मिश्रण का संपूर्ण करते हैं और जो भी हमारा संतुलित आहार का तालिका है उसका भी अच्छे से प्रयोग करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। तो हम ये हमारे डेयरी किसान भाइयों के लिए बड़े अच्छा प्रेरणा स्रोत हैं कि वो भी सुनील भाई की तरह अच्छे से अपने डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। आज के दौर में शुद्ध दूध की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग पैकेट वाले दूध के बजाय पशुओं का शुद्ध दूध लेना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद मानते हैं। ऐसे में डेयरी का व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय बन रहा है। डेयरी में पलने वाले पशुओं को अगर जैविक चारा खिलाया जाए तो उनके दूध की मांग और भी बढ़ जाती है। अच्छे चारे के लिए मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। इस बारे में जानकारी देते हुए केवीके की मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर आकांक्षा सिंह कहती हैं। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि डेयरी जो फार्म है ये आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, NCR एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सभी लोग पैकेट के दूध पे जा रहे हैं। लेकिन दुग्ध उत्पादन करना आज के लिए बहुत लाभकारी है। सभी किसान भाई अगर इसे लेते हैं, इसे अपने व्यवसाय में शामिल करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। बट कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर मैं चारे की बात करूं तो चारे में न्यूट्रिएंट बनाए रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को उसमें अपना योगदान देना होगा। किसान भाइयों को हम अपनी मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चारे की फसलों में हमेशा मृदा जांच के बाद ही उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे चारे हैं उसमें अगर स्वस्थ मृदा होगी तो ही न्यूट्रिएंट का बैलेंस होगा, मिनरल उसमें बराबर से जाएंगे और वही मिनरल हमारे दुधारू पशु लेते हैं जब वो चारे का उपयोग करते हैं या उसे खाते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं में बीमारी तेजी से फैलती है। ऐसे में पशुओं के आवास स्थल का साफ सुथरा होना नितांत आवश्यक है। डेयरी उद्योग में लगे सुनील गोयत के पशुओं की देखभाल की तारीफ करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर पल्लवी चौधरी कहती हैं। आज हम लोग सुनील कुमार जी हैं, उनके डेयरी फार्म पे आज आए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा डेयरी फार्म यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। और थोड़ा सा जैसे कि मौसम अभी जैसा बारिश का है तो उसको देखते हुए, मौसम को देखते हुए जो है काफ़ी साफ़ सफाई पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो ध्यान रखना चाहिए जो भी किसान भाई जो डेयरी फार्म करते हैं। साथ ही जो किसान भाई जो डेयरी फार्म कर रहे हैं वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS जो मॉडल है वो भी अपना सकते हैं। डेयरी फार्म जैसे ये हमारे जो उद्यान बागवानी और कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि जो भी पशु हैं उनका जो प्रोडक्ट है, इनका गोबर हो गया, इनके मूत्र हो गए, तो इसको भी हम जो है फसलों पर एक खाद की तरह उपयोग कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो उसमें लिए काफी लाभदायक हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि पशुपालन से दुग्ध उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों की दशा सुधारने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर दुग्ध उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे सफल किसान से मुलाकात करके उनकी दास्तान को जानकर आप ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है saphalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों की अगले अंक में ऐसी ही कई दास्तानें आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।